मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मैं फाउंडर हूं पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट का और अब तक जो है पाकिस्तान के लिए 61 वन गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूं और जो मेरी एकेडमी है वो अब तक जो है वो 75 फाइव गिनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है रजिस्टर करवा चु करवा चुकी है गिनस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर और रिसेंटली जो मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो इंडिया के साथ मेरा मुकाबला था इटली के एक टी शो के अंदर जिसका नाम है ला नोती दाई उसमें मैंने इंडियन एथलीट को जो है वो वन टू वन मुकाबले के अंदर जो है वो बीट किया उसने जो है वो एक मिनट के अंदर 239 थर्टी नाइन ब्रेक किए थे और मैंने जो है वो 254 हंड्रेड ब्रेक किए मार्शल आर्ट करते हुए 26 साल हो गए हैं और जो मैंने पहला आलमी रिकॉर्ड जो बनाया था वो बनाया था 2013 के अंदर लाजमी माजी कि ये सफ़र बड़ा एक कठिन था क्योंकि हमारे पास ना तो कोई स्पॉन्सर है ना कोई ऐसी कोई सपोर्ट थी हमारे पास के ना कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट थी ना कोई फाइनेंशियल इदारों की सपोर्ट थी तो यहाँ तक आने में एक बहुत ही मुश्किल सफ़र था जिसे मैं कह सकता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मदद साथ थी और क्योंकि मेरा जज्बा बहुत ज़्यादा था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ तो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ आ, देखें जी वालिद साहब सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन है क्योंकि वालिद साहब ने हमेशा से ये चाहा कि वो एक वेल्डिंग का काम करते हैं मज़दूर आदमी थे तो उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो कुछ करे इसी वजह से उन्होंने मेरा नाम जो है वो राशिद महनाज के ऊपर रखा था बेसिकली जब हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो बॉडी के ऊपर काम करते हैं जिसके अंदर हम बच्चों को एल्बो स्ट्राइक सिखा रहे होते हैं नी स्ट्राइक सिखा रहे होते हैं स्टेप सिखाते हैं ब्लॉक करना सिखाते हैं सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं नन चक्कू है उसके अंदर स्टिक है तो ये तमाम के तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो गिनस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी मौजूद हैं तो बेसिकली ये ऐसा नहीं होता कि एक ही दम हम जाते हैं और एक ही दम जाके सारे रिकॉर्ड अटेंड कर लेते हैं इसके ऊपर बाकायदा मेहनत होती है प्रैक्टिसेस होती हैं इसमें हर्डल्स भी आते हैं चोटें भी लगती हैं थोड़ा सा आ, इंजरीज भी आ, हो जाती हैं मार्शल आर्टिस्ट का जो काम है वो इंजरीज से डरना नहीं है और फिर जब यहाँ पर आ जाती है पाकिस्तान की बात आ जाती है तो फिर छोटी मोटी इंजरीज तो कोई माने ही नहीं रखती है देखें मार्शल आर्ट जो है वो लाजमी माता है कि एक कॉम्बेट स्पोर्ट है तो इसके अंदर फाइट्स वगैरह होती हैं तो हर आदमी इसको कर नहीं सकता लेकिन मैं मैं ये समझता हूँ कि मार्शल आर्ट अगर आप करेंगे तो अपने आप को फिज़िकली तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हमारे पास कुछ लड़के आते हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ स्टूडेंट आते हैं वो पहले दिन जो है ना वो उनकी ही होती है कि वो ब्रूस्ती बन जाएँ या स्पाइडरमैन बन जाएँ या सुपरमैन की तरह जो है उड़ने लग जाएँ तो क्योंकि वो फिल्म वगैरह देख हमारे पास आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनको समझाना कि जी मार्शल आर्ट जो है वो आप एक दिन में या दो दिन में नहीं सीखते इसका एक सफर होता है तीन से चार साल का जब आप इसको कंप्लीट करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं जैसे मुझे तकरीबन 26 साल हो गए मार्शल आर्ट करते हुए तो मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए के पीछे मेरी पूरी एक एफर्ट है पूरी एक मेहनत है उसके बाद ही मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुआ ये नहीं कि मैंने मार्शल आर्ट शुरू की और विद इन वन ईयर के अंदर मैंने कोई गिनस वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला गया मेरी अकेडमी छोटी सी एकेडमी है मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी अकेडमी जो है वो कायम करूँ बात है कि मुझे स्पॉन्सर की प्रॉब्लम होती है तो इस वजह से अकेडमी के अंदर लेकिन हमारा अकेडमी का काम बहुत बड़ा है अलहमदुल्ल्ला मेरे नौ स्टूडेंट जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम रजिस्टर्ड करवा चुके हैं तो ये एक मेरी मेरी का बहुत बड़ा काम है है इसके अलावा जो मेरी के जो आ, आ, जो के स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल लेवल पे खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं और मैं उनके साथ वर्क करता हूँ पर्सनली तौर पे वर्क करता हूँ और मिनिमम जो एज है वो मैं रेकमेंड करता हूँ वैसे तो लोग कहते हैं आप चार साल के पांच साल के बच्चों को ही मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दें लेकिन मेरी अपनी जो थिंकिंग है या मेरी अपनी सोच है मैं समझता हूँ कि तकरीबन सेवन ईयर्स के बच्चे को आप मार्शल आर्ट शुरू कराएं और मैक्सिमम एज कोई नहीं होती जिस उम्र में भी आप करना चाहें कर सकते हैं देखिए जी मार्शल आर्ट के अंदर हम 75 फाइव गिनिस् वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं कि मार्शल आर्ट में जो भी चीज कराई जाती है स्टूडेंट को अलहमदिल्ला उसमें जो है हमारे पास रिकॉर्ड है अगर मैं जिक्र करना चाहूँ कि उसके अंदर ब्रेकिंग है ब्रेकिंग है स्मैशिंग है एल्बो स्ट्राइक्स हैं नी स्ट्राइक्स हैं नन चक्कू है एक बहुत ही मशहूर ज़माना आपने देखा था बॉटल कैप चैलेंज चला था उसमें भी मैं गिनस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ उसके अलावा स्ट्रेचिंग है स्ट्रेचिंग के अंदर जो है मेरे स्टूडेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं पुशअप के अंदर जो है मेरे स्टूडेंट जो है वो गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा मार्शल आर्ट की कोई भी फील्ड है बूस्ट ऑफ स्ट्राइक्स हैं उसके अंदर भी हम गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं पंचिस के अंदर मैंने अभी थर्टी जो है वो पंचिस किए थे एक घंटे के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एथलीट है जिसका नाम है पेडी डॉली उसने 28,000 पंच का रिकॉर्ड बनाया था तो मैंने उसका 32,686 पंच करके जो है रिकॉर्ड तोड़ा था एक घंटे के अंदर मतलब एक अनबिलीवेबल किस्म की स्पीड को मैंने जो है वो अचीव किया था तो इस तरह बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जिनके ऊपर हम वक्ता फ़वकता काम कर रहे हैं और अलहमदिल्ला उम्मीद है कि मजीद जो है वो रिकॉर्ड्स जरूर काम करेंगे यहां पे मैं रिकॉर्ड का जिक्र कर देता हूँ नन पूरी दुनिया में नन के जो सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड है वो भी इस वक्त मेरे पास है नन एक ब्रूसली का सबसे ज्यादा मशहूर ज़माना वेपन है अगर आपने देखा होगा तो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नन चक्ू का रिकॉर्ड्स मेरे पास है और मैंने चाइनीज़ एथलीट को और अमेरिकन एथलीट को भी बीट किया है